समझती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है इससे अच्छी वैलिडेशन कोई नहीं मिल सकती जब आपको ऑडियंस डॉक्टर डॉक्टर या आपके कैरेक्टर के नाम से बुला रही हो। श्योर sure सबको ये पता था कि कुछ अच्छा और कुछ मैसेव भी होने वाला है दंगल हो बधाई हो बधाई हो हो आ, फोटोग्राफ हो जवान हो कटल हो लूडो हो शकुंतला देवी हो पगलेट हो आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है और ऐसे मौके को आप कभी ना नहीं बोलोगे एज एन एक्टर तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन है लक का और मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ और मेहनत करने की आदत भी पड़ी हुई है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था विद फिल्म लाइक दंगल तो और वो मेरे है ही मतलब अगर कोई भी आप मुझे रोल दो तो आई वुड पुट इन मैं टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड परसेंट उस कैरेक्टर में और उस फिल्म में और मैं अपना जान लगा दूँगी उस कैरेक्टर को अच्छा बनाने में ये मुझे पता है अपने बारे में तो मुझे लग डॉक्टर इरम अभी पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे अच्छी वैलिडेशन कोई नहीं मिल सकती जब आपको ऑडियंस डॉक्टर डॉक्टर या आपके कैरेक्टर के नाम से बुला रही हो अभी मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ तो लोग या तो इरम बुलाते हैं या तो डॉक्टर बुला रहे हैं तो वो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है um, इसका मैं श्रेय एटली सर को दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया टू गेट इन टू कैरेक्टर टू गेट हर टू नो टू नो हर बेटर क्योंकि मैंने कम्प्लीटली आई हैड टू सरेंडर माई सेल्फ क्योंकि ये मेरे लिए एक नया स्पेस था ऐसी uh, फिल्म बहुत नई थी मेरे लिए एज एन एक्टर तो मुझे एटली सर ने बहुत मदद करी टू नो इरम बेटर फिल्म ने अभी तक 520 करोड़ के ऊपर कमाई कर चुकी है चार दिनों में ही ये रिकॉर्ड्स ये सब चीज़ों किस तरह से आप देखते हैं बहुत अच्छा लगता है आई थिंक जब हमने ये फिल्म स्टार्ट करी थी आई एम श्योर sure सबको ये पता था कि कुछ अच्छा और कुछ मैसिव भी होने वाला है uh, ये नंबर्स मैंने कभी सोचे नहीं थे बट इट मेक्स मी फील वेरी गुड एंड आई फील वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक जवान फिल्म में मुझे शाहरुख सर के साथ काम करने का मौका मिला जो मेरा बचपन का सपना था और उन्हीं का एक डायलॉग है कि आप जिस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है एंड आई सो टोटली बिलीव इन इट आई फाउंड अ वेरी ओल्ड वीडियो ऑफ मी डांसिंग ऑन मितवा जो मैंने दंगल के दौरान कहीं शूट करी थी नितिश सर के साथ और मुझे लगता है कि आप सच में दिल से जो चीज़ चाहो आपको मिल जाती है और ये शायद मैंने कभी ना कभी चाहा होगा कि मैं मुझे इनके साथ फिल्म मिले और इतनी अच्छी मिलेगी वो मतलब मेरी इमेजिनेशन से भी पार था Chinese, साथ काम किया, बहुत बड़ी बात है एज आई सेड बचपन का सपना मेरा सच हुआ है आ, मैं उनको देखती थी स्क्रीन पे आ, उनको परफॉर्म करते हुए अपने सामने देखना वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी आई गॉट टू लर्न सो मच तो मैं हमेशा जब भी उनके आसपास रहती थी तो मैं सिर्फ उन्हें नोटिस करती थी कि वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनसे आप कितना कुछ सीख सकते हो नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग बट द वे ही इज़ आई थिंक ही इज़ सो हम्बल सो नाइस टू एवरी वन अराउंड हिम एंड ही इज़ शाहरुख खान बिकॉज ही इज़ द वे ही इज़ आई थिंक उनको इतने लोग उनको प्यार करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं उसका कारण यही है कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर और बहुत उससे भी अच्छे इंसान हैं You were the the first to visit, uh, to visit iconic Galaxy and see audience reaction. How was the, the, you you it? Was was euphoria? first one? मुझे पता नहीं है first one थी या नहीं थी वहाँ तो छः बजे से लोग फिल्म देख रहे थे जब मैं पहुंची तो लोग बैंड बाजा बैंड बाजे लेकर नीचे खड़े हुए थे और फर्स्ट फर्स्ट डे 12 बजे का शो मैंने गेटी में देखा और मैं पीछे बैठी हुई थी और जिंदा uh, बंदा शुरू हुआ तो सब अपनी सीट से उठ गए क्यों अब मेरा मैंने जब पहली बार देखी थी मेरा बहुत मन था क्योंकि वो गाना ऐसा है कि आप बैठ नहीं सकते हो आप आपको खड़े होकर मन करता ही है डांस करने का तो जहाँ मैं देख रही थी पहली बार तो मैं खड़ी नहीं हो पाई मैं बड़े सीरियसली फिल्म देख रही थी और बड़े मज़े भी आ रहे थे एक्चुअली सीरियसली नहीं मैंने बहुत सीटें मारी और वो दिन मेरे को बहुत इतना मज़ा आया ऑडियंस के साथ मैंने डांस किया मैं पीछे खड़ी हुई थी पर मैं डांस करी थी और बाकी सब को डांस करते हुए देख के इट्स सच एन आइकॉनिक सॉन्ग अ फिल्म एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इट वॉज़ वेरी सॉरी पर वो वो, वो उन घंटों के लिए आप भूल जाते हो कि आप एक्टर हो और आप इस फिल्म में हो आप एज एन ऑडियंस देखते हो What, yeah, man, Padukone, I think they're both amazing actors and to see them perform so well was um, an in insane experience for me as an actor to be around Neetana. I मैं दीपिका माम से मिली नहीं सेट पर पर मैं मैंने Neetana माम के साथ शूट किया and to just to be around her I think they're both very inspiring women. Uh, I feel fortunate कि मुझे उनके साथ इस फिल्म में होने का मौका मिला